एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान शिव को मुर्दे की भस्म लगाकर आरती की जाती थी। एक ऐसा मंदिर जो धरती और आकाश का केंद्र है। एक ऐसा मंदिर जहां पर आज भी कोई राजा या मंत्री नहीं रुक सकता। रात को यदि रुका तो फिर वह राजा या मंत्री नहीं रहता। एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो कहीं और नहीं है, जहां काल भी आने से डरता है। ऐसा मंदिर जहां से पूरे भारत की समय की गणना होती है। ऐसा मंदिर, साथियों, ये सारी विशेषताएं चमत्कार एक ही मंदिर में है। वह है कालों के काल महाकाल का मंदिर। आज हम आपको मंदिर से जुड़े इन सभी रहस्यों और चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जय महाकाल। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा, यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। कालों के काल बाबा महाकाल इस मंदिर में विराजमान है। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशुद्ध वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था, और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है, आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग, अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी, और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित हैं और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं, शक्ति। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणमुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। ये एक अनूठी विशेषता है, जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे यह कहे कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा बताया गया है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे, और साथ ही साथ अवंती नगरी अब उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए।
ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तर्षि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती होने का भी एक रहस्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लड़कियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे, अमलतास मिलाकर तैयार किए गए उनकी आरती नियमित रूप से की जाती है। महाकाल मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। यहाँ भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता है कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाति कहाँ है। हो गए ना आप भी हैरान साथियों? ये महाकाल की नगरी है, यहाँ सब कुछ अलग है, चमत्कारी है। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया।
इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। वह शक्ति कौन है ये कोई नहीं जान पाए। कैमरे तो कैद हो गया, दुनिया में वह वीडियो वायरल भी हो गया, लेकिन कौन है वह यह कोई नहीं जानता। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। तो साथियों, आपने देखा देवाधिदेव महादेव जो साक्षात महाकाल के रूप में विराजमान है, उज्जैन में उनके मंदिर के अलौकिक चमत्कार जिनको सुनकर वैज्ञानिक भी अचरज में पड़े हुए हैं। आज तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय भगवान शिव के श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल मंदिर कॉरिडोर का हाल ही में उद्घाटन किया है। अब तो महाकाल मंदिर की विशेषता और बढ़ गई है। देश विदेश से यहाँ अब लाखों श्रद्धालु बड़े ही आराम से दर्शन कर पा रहे हैं और अपनी हर इच्छा को पूरा कर अपने हर दुख को मिटा रहे हैं। काल के भी काल भगवान महाकाल जी आपके जीवन से सभी दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे। हमारी उनसे यही प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, कालों के काल महाकाल भगवान की जय हो। आपका हमारे इस वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं साथियों एक और रोचक चमत्कारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को, सभी प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।